वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, आज के आगे कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? तो पॉइंट है, हम उसको फिक्स करवा रहे। ठीक है, पॉइंट का लोकेशन डिटरमाइन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज पी ऑफ एक्स कॉमा वाई के लिए पॉइंट निकले, ठीक है, आपको फिक्स करना है। तो हम लोग क्या करते थे, एक्स जितना भी है यहां से चलते थे एक्स तक, ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करते थे हम लोग। ठीक है, वाई का जो भी डिस्टेंस दिए वाला है वाई के ऊपर से यहां से एक लाइन ड्रॉ करते थे। ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते थे वहां पे अपना पॉइंट रहता था पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स डिस्टेंस जितना है जितना हम ओरिजिन से यहां तक एक्स डिस्टेंस तक चलते थे y डिस्टेंस तक, वहां से एक लाइन और यहां से एक लाइन, ये पॉइंट आपको डिटरमाइन करता है। ठीक है, सो डिटरमाइन द पॉइंट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट वी यूज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगेन और एक दूसरी सिस्टम है अल्टरनेटिवली यूज्ड फॉर सेम पर्पस कॉल्ड एज अ पोलर सिस्टम। अभी पोलर सिस्टम में पॉइंट जो होता है ये डिनोट या उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। ये ओरिजिन है फिक्स पॉइंट O। ठीक है, अब ये पॉइंट है सपोज P। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारा OP ये हमें मालूम होना चाहिए। सपोज इनको भी कुछ कभी R है। ठीक है, एंड ए इंक्लाइनेशन दैट इज थीटा ये नोन होना चाहिए, तो हम उस पॉइंट का लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ रहे हैं आपको, पॉइंट R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, थीटा इंक्लाइनेशन है। ठीक है, अभी जब R है तो रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं, रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज कॉल्ड एज वेक्टोरियल एंगल। वेक्टोरियल एंगल ये जो पॉइंट होता है O ये फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट आने वाला है यहाँ पे ये ऐसे डिनोट करते हैं आर कॉमा थीटा कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट। समझ रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल है, पार्टीशन कोऑर्डिनेट के अल्टरनेटिवली मेथड है ये। अगर पॉइंट आपको लोकेट करना है तो ये अल्टरनेटिव मेथड है कॉल्ड एज पोलर सिस्टम। अभी ये देखो कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम में रिलेशन क्या होता है ये देखने वाले हम। सो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम देखो, इसको जो पॉइंट है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये आपका डिस्टेंस वाई है, इसमें एक्स है, रेडियस है आर, ये थीटा। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं हम लोग की साइन और कॉस के रेशियोज। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा का रेशियो होता है साइन थीटा, थीटा यहाँ पे आपका आपको जो साइन ये यहाँ पे राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस आर बन रहा है यहाँ पे। सो वाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा का रेशियो एंड कॉस थीटा का रेशियो बनेगा यहाँ पे एडजेसेंट साइड एंड एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस मींस आर। सो कॉस थीटा का रेशियो बनता है एक्स डिवाइडेड बाय आर। समझ रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल है। ये ट्रायंगल के ऊपर देखो साइन का रेशियो आपको किस साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस एंड कॉस का रेशियो है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये आर जो है डिवाइड नहीं आने के बाद मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। सो आर इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू वाई, सो इट मींस वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। सो y का रिलेशन एंड यहाँ पे देखो ये r नाइन के बाद r cos थीटा बनेगा इक्वल्स टू x, सो ये x इक्वल्स टू r cos थीटा। देखो हम रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम पोलर कोऑर्डिनेट इसके बीच में जो भी रिलेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, ट्रायंगल लिया मैंने साइन का रेशियो लिया cos का रेशियो, तो x का वैल्यू मिल रहा है r cos थीटा, y का वैल्यू मिल रहा है हमें r sin थीटा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको y इक्वल्स टू आर साइन थीटा और एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। आगे देखो अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग करके एड एडिशन लू, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, एक्स था आपके पास आर कॉस थीटा, यहाँ देखो आर कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब क्या बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वाई का वैल्यू है आर साइन थीटा, यहाँ का मैंने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया। ठीक है, सो आर स्क्वायर एक कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग, क्या बचेगा आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में खुल चुके हैं हम, पंडा लगेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है वन,
सो इक्वल्स टू क्या बनता है आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक रिलेशन याद रखना है आपको। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर और रूट साइड तो क्या बनेगा ये आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर का रिलेशन बनता है आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर, इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं लेते आपको अगर पोलार दिया है कार्टेशियन निकालना है तो ये दो रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कार्टेशियन दिया है पोलार में कन्वर्ट करना है तो हम ये यूज करने वाले हैं आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलार सिस्टम, ठीक है। इसके ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखो, मतलब कार्टेशियन भी दिया है पोलार में कन्वर्ट करना है या पोलार भी दिया है कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो साइन कॉस की ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल्स रूट टू कॉमा पाई बाय फोर, देखो रूट टू कॉमा पाई बाय फोर मतलब ये वाला पॉइंट पोलार सिस्टम में आर है ये थीटा है, सो ये आर इक्वल्स टू रूट टू, ये पहला वाला आर रहेगा हमेशा दूसरा थीटा रहेगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय फोर यानी 45 डिग्री, ठीक है। आर एंड थीटा गिवन है दोनों को फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स का वाई निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग एक्स इक्वल्स टू ये क्या बात का क्या बना आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, समझ रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल है। x equals to r cos theta, y equals to r sin theta, r and theta can be substituted for, so r is equal to cos of theta given at 45 degree and at pi by 4, okay? So cos 45 का value 1 by root 2 होता है, 1 by root 2, cos of 45, root 2 root get cancel, we get x equals to 1, similarly, यहाँ पे आपको r gain root 2 sin of pi by 4 sin 45 का भी वैल्यू 1 by root 2 ही होता है, ठीक है। sin cos 45 दोनों का वैल्यू 1 by root 2 है, सो root 2 root 2 get cancel, 1 equals to 1, कार्टेशियन पॉइंट इक्वल से लिखना है x comma y, क्या बनेगा ये 1 comma 1, समझ रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल है। r and theta given है, अगर आपको x एंड y मतलब पार्टीशन निकालना है पोलार गिवन है तो आपको यूज करना है x equals to r cos theta and y equals to r sin theta, r and theta की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आपके पार्टीशन कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखो, उल्टा पोलार कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है कार्टेशियन डी वाई,
क्या करना है देखो, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। फर्स्ट एग्जांपल रूट टू कॉमा रूट टू, रूट टू कॉमा रूट टू। अब ये कार्टेशियन है, इसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, कार्टेशियन मतलब क्या ये वाला रहता है, एक्स एंड वाई ये वाला रहता है। देखो बस एक्स कितना है रूट टू है, वाई अगेन रूट टू है, ठीक है, एक्स एंड वाई रूट टू है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब आर एंड थीटा निकालना, तो मैंने फार्मूला बताया था आपको, आर के लिए फार्मूला हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। देखो एक्स कितना है रूट टू, यहाँ पे स्क्वायर है रूट टू का, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो टू बनेगा, रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस अगेन वाई में रूट टू है तो इसका भी स्क्वायर टू आएगा, रूट टू सॉरी टू प्लस टू फोर, स्क्वायर रूट में भी टू आएगा, तो आपका आर का वैल्यू बनता है टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थीटा निकालना है, टैन इनवर्स ऑफ थीटा गिवन है सर वाई गिवन रूट टू, एक्स अगेन रूट टू, नेक्स्ट एग्जाम्पल जीरो कॉमा वन बाई टू, जीरो कॉमा वन बाई टू। देखो अभी आर एक्स कितना है जीरो, वाई वन बाई टू है, देखो अगेन सब्सटू एक्स स्क्वायर यानी जीरो स्क्वायर कितना होता है जीरो प्लस वन बाय टू का स्क्वायर आएगा वन बाय फोर, जीरो प्लस वन बाय फोर वन बाय फोर, स्क्वायर रूट ऑफ वन बाय फोर इज हाफ, सो आर बन रहा है आपका हाफ थीटा टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स यानी वन बाय टू डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है। याद रखो एनी नंबर अपाउंड जीरो ये होता है इन्फिनिटी, ठीक है, याद रखो एनी नंबर अपाउंड जीरो इन्फिनिटी होता है, और टैन के कौन से एंगल का वैल्यू इन्फिनिटी आता है नाइनटी का, टैन नाइनटी इन्फिनिटी होता है, टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मीन्स नाइनटी डिग्री से पाई बाई टू आएगा, ठीक है। सो आपका आर बन रहा है यहाँ पे हाफ, थीटा बन रहा है पाई बाई टू, तो ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट, ये तो सिंपल है। और एक देखो थ्री बाय टू कॉमा थ्री रूट थ्री बाय टू, थ्री बाय टू कॉमा थ्री रूट थ्री बाय टू, देखो एक्स है थ्री बाय टू, वाई है थ्री रूट थ्री बाय टू, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब थ्री बाय टू का स्क्वायर क्या है नाइन बाय फोर आएगा, ठीक है, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर थ्री स्क्वायर नाइन, रूट थ्री स्क्वायर थ्री, नाइन थ्री सार ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय फोर, समझ रहे आपको, इसका स्क्वायर थ्री स्क्वायर नाइन होता है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, नाइन थ्री सार ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर फोर। देखो हमें बेस सेम है तो हम क्या करते हैं कॉमन बेस न्यूमरेटर का एडिशन बन जाएगा, कितना आ रहा है ट्वेंटी सेवन और ये नाइन मतलब थर्टी सिक्स, ठीक है, थर्टी सिक्स स्क्वायर बाय फोर क्या होता है नाइन, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन क्या आएगा थ्री, सो आर का वैल्यू बन रहा है आपका थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टैन इनवर्स ऑफ वाई कितना है थ्री रूट थ्री डिवाइड बाय टू अपॉन थ्री बाय टू, तो क्या बन रहा है देखो टू टू गेट कैंसल थ्री थ्री गेट कैंसल, बचता क्या है यहाँ पे रूट थ्री, टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, टैन के कौन से एंगल पे रूट थ्री होती है सिक्सटी डिग्री, सो टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री मीन्स फाइव बाई थ्री आएगा, समझ रहा है बिल्कुल सिंपल है, सो आर कितना है थ्री, थीटा कितना है पाई बाय थ्री, सो दिस इज द करेस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपको समझ रहा है आपका बिल्कुल सिंपल है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है आर कॉस थीटा वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है, एंड आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर का रिलेशन एंड थीटा का रिलेशन है टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स,
तो ये हम बोला करेंगे रिलेशन बिटवीन